बैक टू अदर जीटी वीडियो। तो पिछली बार हमने देखा था कि लेस्टर और माइकल ने मिलके ज्वेलरी स्टोर लूटने का पूरा प्लान बना लिया था, बस उसे एग्जीक्यूट करना है। तो उसी के लिए हमें थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले लेस्टर ने हमसे एक बग स्टार कंपनी, एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, तो उसकी एक वैन चुराने के लिए कहा है ताकि हम वहां पर जाएं तो किसी को शक ना हो कि वहां पर क्या करने आए हैं। तो सबसे पहले उस वैन को चुराने के लिए जाते हैं, तो वहीं पे पहुंचते हैं सीधा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं बग स्टार कंपनी में। तो उसके पीछे मैंने अपनी कार पार्क कर दिया ताकि आगे तो बहुत सारे लोग खड़े थे तो हम पकड़े जाते तो हम पीछे से जाएंगे, पीछे शायद कोई भी नहीं है तो आराम आराम से चल के सामने देखते हैं पहले कौन मिलता है कौन नहीं। हमें तो बस सीधा वैन उठा के भागना है। आवाज तो आ रही किसी की, कोई होगा जरूर, यहाँ पे दो से ज्यादा बंदे ना हो बस। अच्छा चलो एक ही बंदा है, इसको भी सुला देते हैं और फिर उठा के भाग लेंगे इस वैन को। अभी मारता हूँ इसको, रुको। अब ये सो गया है तो इसकी वैन उठा के जल्दी से भाग लेते हैं, नहीं तो कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले इसकी वैन को उठाते हैं और निकल लेते हैं, फरार हो जाते हैं जल्दी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने की तरफ कितने बंदे खड़े थे। अभी चलते हैं, इनकी वैन में बैठ गए, अब तो कोई शक नहीं होगा। देखो राइट में एक था, लेफ्ट में दो रहे, और भी बंदे आसपास घूम रहे थे जब मैं आया, पर कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, सीधा लेस्टर की फैक्ट्री में चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना आज हमें, सीधा रोबरी करनी है। तो चलते हैं लेस्टर की फैक्ट्री में। तो गाइस हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं लेस्टर की फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, थोड़ा अजीब सा लगता है तो हम उसे ऑफिस बोलेंगे। तो लेस्टर के ऑफिस में हम पहुंच चुके हैं। तो अभी तक बस यही इकट्ठा करना था हमें, और भी देखते हैं क्या सामान इकट्ठा करना है, लेस्टर खुद बता देगा अपने पास। तो अपना ये मिशन तो कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं अगले मिशन में। तो गाइस अभी लेस्टर का कॉल आया था मेरे पास और उसने बोला कि कोई स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह चाहिए उसको, तो बिल्कुल लास्ट इक्विपमेंट्स होंगे हमारी रोबरी के लिए। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस रोबरी के लिए। तो जल्दी से उस इक्विपमेंट को लाते हैं और फिर अपनी रोबरी को भी अंजाम देते हैं जल्दी से। तो मैं पहुँचा देता हूँ, आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधी रोबरी करनी है हमें। गाइस लेस्टर ने बताया था कि वो किसी ट्रक में गैस ग्रेनेड्स रखे हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा ट्रक है। वो लेफ्ट में जा रहा है, यही वाला ट्रक है, तो इसको पकड़ते हैं पहले, पीछे ले लेते गाड़ी को। जो गाइज अभी हमारे राइट साइड में जो ट्रक गया है ब्लैक कलर का, उसमें ही रखी है वो गैस ग्रेनेड्स, तो उसको हमें टेक डाउन करना पड़ेगा पहले। तो करते हैं जल्दी से, कहाँ भाग रहा है भाई, रुक जा थोड़ी देर। और सामने से इतनी गाड़ियाँ आके रुक रही है ना, मुड़ के रहे हो भाई, सीधा सीधा जाओ ना, मैंने क्या करा है तुम्हारा। बस गाइज वो ट्रक हमारे हाथ से ना निकल जाए, ये रहा कट, यहाँ से घुमा लेते हैं, आने दो अभी उस ट्रक को, वेट कर लेते हैं थोड़ा। कहाँ रह गया, आ रहा है पीछे पीछे, रोक लेगा ना। अरे कट मार के भाग लिया, इसको पीछे भगाने पड़ेगी। अब रुक जाओ एक मिनट, इसको टेक डाउन करता हूँ फिर मिलते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे इस ट्रक को टेक डाउन तो कर दिया, पर ये नहीं पता इसका ड्राइवर हमारे पास गन क्यों चलाने लग रहा है। बेटा देखिए जा, आप तू पहले तूने चलाई, हमने कुछ नहीं कहा था, भगले कहाँ भगेगा। रुक तो रुक एक मिनट, गाड़ी नहीं मारते एक तो, रुक जाओ। कौन गोली मार रहा है, हम अपना चुपचाप काम करके भाग लेते, ज्यादा पुलिस वुलिस का झंझट चाहिए नहीं यार। चारों तरफ से गोली मार रहा है, हमने सामान तो उठा लिया, बस अब अपने भागना है यहाँ से, जल्दी से भागते हैं, पुलिस से पीछा छुड़ाना है। इनसे लड़ने लग गए तो भाई हम भी पकड़े जाएंगे पुलिस के हाथों, तो भाग लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास छोटी मोटी लड़ाई के लिए टाइम नहीं है, सीधा ज्वेलरी स्टोर लूटेंगे अब हम। तो छुप जाते हैं यहाँ पे एक बार, देखते हैं पुलिस पकड़ ना ले बस हमें कहीं। तो बस यहाँ पर काफी देर छुपे रहने के बाद पुलिस ने आखिरकार हमारा पीछा छोड़ दिया है, और अब हमें सीधा लेस्टर के ऑफिस में जाना है। तो सीधा चलते हैं लेस्टर के ऑफिस, और फिर फाइनली अब हम करने जा रहे हैं रोबरी वेंजली को स्टोर, हम आ रहे हैं रोबरी करने, रोक सको तो रोक लो। तो गाइस हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं लेस्टर के ऑफिस में, अब सीधा चलते हैं और लेस्टर से बात करते हैं कि क्या कहता है वो। अरे जब भी हम कोई काम करने जाते हैं रोबरी वगैरह, ये बिल्ली बिल्ली आसपास ही रहती है हमारी, नहीं पता ये जीटी 5 में क्या चक्कर है, लगता है इन जानवरों को पहले से पता रहता है कि हम कहाँ रोबरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो सीधा लेस्टर के ऑफिस चलते हैं, ऑफिस में राइट में ऑफिस तो बंद कर रखा है इसने अपना, यहाँ से चलते हैं, सीक्रेट रास्ता बना रखा है यहाँ पे। देखो हमारी कॉस्ट्यूम वगैरह सब आ चुकी है जो हमें पहननी है, तो लेस्टर को कॉल ही कर लेते हैं एक बार। Hey, Lest, I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. तो चलिए अब सीधा रोबरी करते हैं। तो गाइस फाइनली, हाँ फाइनली हम अब रोबरी करने जा रहे हैं। तो बस अंदर माइकल और वो सब प्लान डिस्कस ही कर रहे हैं अपने क्रू मेंबर्स के साथ। तो अब सीधा हम मिलते हैं मिलते कहाँ है, अब सीधा रोबरी करने चलते हैं हम, सीधा चलते हैं। ये प्लान डिस्कस कर रहा है माइकल इनके साथ, इसको करने दो नहीं तो तुम बोर हो जाओगे, मैं ही बता दूंगा बाद में तुम्हें क्या प्लान है। तो चलिए चलते हैं।
तो गाइस यहाँ पर माइकल ने सबको साफ साफ बता दिया है कि प्लान के बारे में, और ये भी बता दिया है कि अगर हम में से कोई भी पकड़ा गया तो कोई किसी का नाम नहीं लेगा, जिससे कि मतलब जो पकड़ा गया वही रहेगा, बस बाकी सब सेफ रहे। तो सीधा वेंचली को स्टोर चलते हैं कि, और सबने अपनी अपनी कॉस्ट्यूम पहन लिया ताकि किसी को शक ना और लगे कि हम यहाँ पे बस पेस्ट कंट्रोल करने आए हैं। तो ये हमारे पीछे पीछे आएंगे और हम चलते हैं वेंचली को स्टोर। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर, हमारे साथ फ्रैंकलिन भी है। तो हमने फ्रैंकलिन पे स्विच कर लिया है, तो आधा काम फ्रैंकलिन करेगा आधा माइकल। तो फ्रैंकलिन को सबसे पहले छत पे भेजते हैं और वहीं उसी लोकेशन पे भेजते हैं जहाँ पे माइकल ने स्नैप्स ली थी। तो वहीं चलकर देखते हैं क्या करना है आगे, और यहाँ चेक कर लेते हैं पहले कि कोई है तो नहीं, नहीं पता। प्लान स्टार्ट करने से पहले ही फ्लॉप हो गया, तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो सीधा रूफ पे चलते हैं, और पिछली बार हमने माइकल के साथ पार्कोर करने की कोशिश करी थी पर वो फ्लॉप हो गए थे हम, तो एक बार फ्रैंकलिन के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो उसी रूफ पर आ गए हम, यहाँ पर सीमेंट वीमेंट बिछा रखी है, उसने पैर वैर गंदे हो गए फ्रैंकलिन के। तो यहाँ से अब करने की ट्राई करते हैं फ्रैंकलिन के साथ। तो चल भाई फ्रैंकलिन, तो कूद जाएगा, तेरे पे तो भरोसा है मेरे को। आराम से कूद रहा है फ्रैंकलिन भी, ये नहीं झटके से कूद जाऊं। लगता है माइकल ने फ्रैंकलिन को पहले ही बता दिया कि भाई बहुत तेज लगती है यहाँ पर चोट कूदने पे, इसलिए ढंग से कूद नहीं रहा है। तो पहुंच हम यहाँ पे वेंजली को स्टोर के ऊपर पहुंच तो गए हैं, अब देखते हैं माइकल सिग्नल देगा हमें, उसके बाद हमें काम करना है। तो आगे देखते हैं, हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं बस। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो जैसे ही माइकल हमें सिग्नल देगा, वैसी जो हमने वो गैस ग्रेनेड चुराए थे उस वैन में से, वो यहाँ पर फेंक देने हैं एसी के सिस्टम में, ताकि अंदर जब जो भी है सब सो जाए वहां पर और हम आराम से रोबरी कर पाए। तो एक बार इसको फेंक देते हैं, मार्क आ रहा है उसके ऊपर फेंकना है, तो फेंक देते हैं एक बार, जो ढंग से हाँ फेंक देते हैं चलो। तो गाइस हमने यहाँ पर फेंक दिया है उसको, अब अंदर सब सो जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। गैस फैल चुकी है अब एयर कंडीशनर के थ्रू, तो सब सो जाएंगे अब अंदर। अंदर का व्यू देख लो, धीरे धीरे करके सब सुन पड़ जाएंगे यहाँ पे। स्लीपिंग गैस अब अंदर आ चुकी है, धीरे धीरे सबको नींद आ रही है। सो चुका है यहाँ पर सब, सिक्योरिटी गार्ड रह रहा है, ये भी सो चुका है। अब जल्दी से हमें माइकल और सब बाहर खड़े हैं, अंदर घुस जाते जल्दी, कोई है नहीं हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो यहीं से शुरू कर देते हैं लूटना। जल्दी जल्दी लूटते हैं, मतलब हमारी पहली रोबरी है वाई सिटी, उसमें सैन एंड्रियास नहीं यार, लॉस सैंटोस के अंदर। और हम जल्दी जल्दी से लूट लेते हैं सारा सामान को, जितनी भी रिंग से बहुत पैसा आने वाला है गाइस हमारे पास अब हम, और इनको भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी कुछ परसेंट पैसा देना पड़ेगा, तो एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हम, तो सब चीज़ उठानी पड़ेगी हमें जल्दी से। और फ्रैंकलिन बाहर बाइक लेके भी आ चुका है, तो जल्दी जल्दी लूटते हैं बस, अब टाइम पास नहीं करना, जितने भी केस है सबको तोड़ के लूटना है हमें, एक भी रह गया तो यार थोड़े पैसे कम रह जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे, तो सारा का सारा लूट लेंगे हम। तो जो हमारे पीछे तो क्रू मेंबर थे वो भी आते हैं लूटने में हेल्प कर रहे हैं, देखो पीछे लग रहा है, वैसे हमने पूरा लूट लिया है, थोड़े बहुत रह रहे हैं उनको भी खत्म कर ही देते हैं जल्दी से, 50 seconds रह रहे हैं, 50 seconds में जल्दी लूट लेते हैं। चेक कर ले एक बार, कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे, यहाँ पर भी सब हो गया, यहाँ पर भी, ये भी हो गया, तो जल्दी से फरार हो जाते हैं यहाँ से, किसी को शक ना होना चाहिए। ये कौन आ गया यहाँ से, माइकल भगा इसको यहाँ से, शाबाश। ये माइकल का डायलॉग जो है ना, ये एक नंबर लगता है मेरे को, मतलब फैन हूँ मैं इस डायलॉग का। तो यहाँ पर हम फ्रैंकलिन पे स्विच हो चुके हैं और हम भाग रहे हैं बस यहाँ से, और लेस्टर हमारे साथ यहाँ पर फोन पे कनेक्टेड है, तो वो बता करेगा हमें कैसे कहाँ पे भागना है, और पुलिस भी हमारे पीछे लग चुके हैं, तो बस अब भागना हमें किसी तरह है। और फ्रैंकलिन की स्किल का पता नहीं, जब की जब एक्टिवेट हो जाती है साथ साथ कुछ भी चलाओ। और हाँ, हम पहली बार बाइक चला रहे हैं GTA 5 के अंदर, तो ये भी एक एक्सपीरियंस होगा। और ये हमारे पास गोलियां भी चलाने लगे पुलिस वाले, मतलब हम कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी करोगे तुम। सबसे पहले इनसे पीछे ही छुड़ा लेते हैं, फिर देखते हैं पुलिस वालों को भी सुधारेंगे, इनको भी पता नहीं है ना हमारी पहली रोबरी है अभी लॉस सैंटोस के अंदर, तो इनको सब पता चल जाएगा। जल्दी से यहाँ पे देखो कितनी तगड़ी स्किल है इसकी फ्रैंकलिन की, जब भी एक्टिवेट हो जाती है। और माइकल से कूदाएंगे तो नीचे गिर के पड़ जाएगा वो, कहां से, अरे भाई बच गए बस, टकरा जाते, कहां से निकाल रहे गुफा में से, लो टकरा ही गए बस। ये अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन चल रही है, पता नहीं कहां से निकल रहे हैं बस, जल्दी से पुलिस को पीछे छुड़ाना है। और आवाज मस्त गूंज रही है इस टनल में भाई, इतनी पतली पतली जगहों से निकालोगे तो भाई टकरा जाएंगे, गिर जाएंगे पैसे वगैरह सब कुछ, जल्दी से बाहर निकालो यहाँ से। पर यार ये करना भी, अगर पुलिस पीछा नहीं छोड़ेगी तो फिर कैसे बचेंगे।
तो बस हमें यहाँ से भागना है जल्दी से। इसकी स्किल तो पस जब ही एक्टिवेट हो जाती है छोटी छोटी जंप में भी, और स्किल एक्टिवेट होने के बावजूद टकरा गया इसमें, क्या ही फायदा है इसे फ्रैंकलिन का। फिर भगाओ अभी जल्दी से यहाँ से, पुलिस कैब कोई भी नहीं पकड़ पाएगा इतने अंदर से निकल रहे हैं हम। पानी भी आ गया, अब तो सीवर लाइन में जा रहे हैं भाई। बताओ डायमंड्स है हमारे पास, इतने सारे रिंग्स हैं, गोल्ड है, फिर भी हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे एकदम से कट मार रहे हैं, ऐसे नहीं कि बता दे पहले कहाँ उठना है, टकराए जा रहे हैं उसकी वजह से हम बार बार। तो जल्दी से बाहर निकलते हैं अंडरग्राउंड, दिख तो रही है रोशनी थोड़ी बहुत, निकाल दे बाहर तो ठीक रहेगा। जल्दी चलो भाई। तो गाइस फाइनली बहुत देर से अंदर घुमान लग रहे थे ये हमें, और हम बाहर आ चुके हैं, और माइकल इस ट्रक में बैठा है। तो हमें क्या करना है कि जो बाइक्स है उनको ट्रक में डाल देनी है, ताकि किसी को पता ना चले कि बाइक्स गई का, मतलब धूम वाला सीन होने वाला है। धूम जिसने मूवी देखी उसको पता होगा कि वो बिल्कुल सेम सीन होने वाला है। ये 3-4 पुलिस है, इनको भी ठिकाने लगा देते हैं, और फिर ये बाइक वाले मेंबर सारे अपने इनको अपने ट्रक में बिठा के ले चलेंगे। एक फ्रैंकलिन है इसमें और दो हमारा क्रू का मेंबर है। तो जल्दी से निकलते हैं, रोड ब्लॉक वगैरह सब कर रखा है पुलिस ने। ये और आई गाड़ी, इसको भी टक्कर मार दी। तो जल्दी से इनको सेफ जगह ले चलते हैं और फिर गाड़ी के अंदर ट्रांसफर करते हैं जल्दी जल्दी। ये पुलिस भी तो आए जा रही है, रुके नहीं रही, वैसे आएगी क्यों नहीं, इतने बड़े स्टोर में रोबरी करी है हमने, ऊपर से ट्रेन भी जा रही है, वाओ। तब यहाँ पे जा चुकी है पुलिस, तो जल्दी से यहाँ पे रुक जाएंगे अब इनको, फिर गाड़ी के अंदर बुला लेंगे। जल्दी रुक जाओ बस अब यहीं पे, फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाना, बैठ नहीं जाना, अपनी बाइक्स को ट्रक के अंदर ले आना। ओ एकदम रुक गए, ओ भाई चढ़ा, मैं सोचा चढ़ा दी मैंने इनके ऊपर, बच गए। पर तो हमारे यहाँ पे रोबरी सक्सेसफुल हो चुकी है, और बहुत बहुत मजा आया इस रोबरी को करने में। जल्दी से अपनी बाइक को ले चले और फिर हम इनको ठिकाने लगा देते हैं। तो लेस्टर भी हमारे आस पास ही है, तो लेस्टर से हम ट्रक दे देंगे और यहाँ से चल पड़ेंगे, जल्दी से भाग लेते हैं। पुलिस ने भी पीछा छोड़ दिया है हमारा, तो ये भी एक अच्छी बात है, नहीं तो हम पुलिस से पीछा छुटाने में लगे रह जाते, और ये बाइक वाले अपने अलग ही इधर उधर भाग जाते, और किसी ने धोखा दे दिया होता तो फिर तो लुटी जाते हम वैसे ही, इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आए तो फिर क्या ही फ़ायदा। और लेस्टर है यहाँ पे, तो उस लेस्टर ने कहा है कि बता रहा था कि उस पैसा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब जिसको जितना चाहिए जरूरत के हिसाब से अपने आप दे देगा लेस्टर, मतलब लेस्टर समझदार बंदा है, उसको कुछ जानने कहने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लेस्टर के पास चलते हैं, यहीं पे आस पास में ही है वो, ये लेफ्ट में ही है, चलते हैं पहले राइट में, लेफ्ट में सॉरी राइट में, यहाँ पे होगा लेस्टर अब अंदर की तरफ। मतलब कैसी कैसी जगह है लेस्टर की, किसी को शक भी ना होगा कि यहाँ पे लेस्टर है। लेस्टर वैसे इतना बड़ा हैकर है, किसी को शक हो ही नहीं सकता कि कहाँ पे रहता है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ है लेस्टर। हाँ तो ये हमने ट्रक छुपा दिया, लेस्टर भी आ गया, लेस्टर को चाबी वगैरह दे देते हैं, और लेस्टर फिर बाद में हमारा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पैसा। तो हम यहाँ से चलते हैं, हमारी रोबरी सक्सेसफुल हो चुकी है और पहली बार में सक्सेसफुल हो गई, मिशन फेल भी नहीं हुआ। तो गाइस अगर आपको जानना है कि आगे स्टोरी में क्या होता है तो बने हमारे साथ बने रहे, और जिन लोगों को नहीं पता गाइस तो मैं हर संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चिल करो, साइनिंग ऑफ।